महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी बयानबाजी और पोस्टर वार के बीच उपचुनाव के ठीक पहले सूबे में सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव वाराणसी पहुंचे हैं, काशी विश्वनाथ दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी, काशी आप पहुंचे हैं, 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला है, कैसी तैयारी है और इससे पहले ही सूबे में पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है? देखिए, ऐतिहासिक मेहनत चल रही है पार्टी कार्यकर्ताओं की और बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के जनमानस का मूड पूरे देश के सामने है और माननीय अखिलेश जी के प्रति उत्तर प्रदेश के जनमानस का लगातार विश्वास, भरोसा और उम्मीद बढ़ती चली जा रही है। और माननीय अखिलेश जी ने पिछले कार्यकाल में जो काम करके दिखाए हैं, वो कारण है कि उनके प्रति जनता का बहुत विश्वास है। वर्तमान सरकार से लोग निराश हैं, इनकी नफरत भरी राजनीति से जिसमें विकास का कहीं कोई काम नहीं है। मैं बनारस में बैठा हूँ, यहाँ के लोगों को सपना दिखाया गया था कि क्योटो बनाया जाएगा बनारस शहर को, माँ गंगा का ही साफ किया जाएगा। अगर बनारस के लोग इस बात को मानते हों कि क्योटो बन गया हो तो शायद उनकी कुछ बात को मान सकते हैं, लेकिन कोई बनारसी इस बात को नहीं मानेगा कि कोई क्योटो बना है या माँ गंगा की कोई सफाई हुई है। अभी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जमुना नहाने चले गए, बीमार हो गए, तो ये है इनके नमामि गंगे विभाग के काम। तो बीजेपी के लोगों ने झूठे वादे बहुत कर लिए, लोग गुमराह भी हुए कुछ चुनावों में, लेकिन अब लोगों के समझ में आ चुका है। धर्मेंद्र जी, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 चुनाव लड़ा जाएगा, स्पष्ट है, पोस्टर भी लगे हैं, सत्ताधीश बताया गया, और बीजेपी बटोगे तो कटोगे ये नारे लगे और अब उसकी गूंज महाराष्ट्र में भी सुनाई दे रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी के लोग चुनाव से पहले नफरत फैलाने का हर चुनाव से पहले काम किए हैं। इस उपचुनाव में भी उन्हें पता है कि ऐतिहासिक हार होने जा रही उनकी, इसे नफरत भरे बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनमानस अब बीजेपी के झांसे में आने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले भी कई बार इस तरह की बातें की और बाद में लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। और आज यहाँ उत्तर प्रदेश के मूलभूत मुद्दे हैं, हमारे दलित भाइयों के सम्मान, स्वाभिमान से लेके उनको नौकरी से लेके हर जगह शिक्षा में भागीदारी का सवाल है, यही हमारे पिछड़े भाइयों के मुद्दे हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के प्रति जो नफरत फैलाई जा रही है, आखिर ये नारे किनके खिलाफ़ दिए जा रहे हैं? तो सारे लोग जो एक PDF फार्मूले के तहत आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एक हैं, सब लोग मिलके बीजेपी को सफाया करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि एक भाषण का ये अंग है, इसको ये उनका नारा नहीं बल्कि उन्हीं के पार्टी के नेता, तो जाके अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कहते, उनसे क्या डर रहे हैं क्या? क्योंकि जानते हैं मुख्यमंत्री से जिस दिन जाके वो कहेंगे, मुख्यमंत्री उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर कर देंगे। और अब केशव जी की बात को कोई गंभीरता से ही नहीं लेता है, और इतने ही गंभीरता से अगर उनको लिया जा रहा है तो क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री को कंट्रोल कर पा रहे हैं? धर्मेंद्र जी, कानपुर के प्रत्याशी के शिवलिंग पर पूजन को लेकर फतवा जारी हो गया, क्या कहेंगे इसको? मुझे जानकारी नहीं है क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर क्या बात हुई, लेकिन मैं इतना मानता हूँ हमारे देश में, हमारे पार्टी में सब लोग एक दूसरे के धर्मों का, एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करते रहे करेंगे। कुछ अंतिम सवाल, करहल पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि परिवारवाद वहाँ पर हावी है, क्यों एक ही परिवार से टिकट दिया? तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी पहले बताए उसने क्या किया है? हम लोगों पे आरोप लगाने से पहले बीजेपी खुद देखे क्या कर रही है। वो सोचते हैं कि परिवार में लड़ाई लगा के, रिश्तेदारों में लड़ाई लगा के परिणाम बदल देंगे, तो ये परिणाम बदलने वाला नहीं है। तेज प्रताप जी ऐतिहासिक वोटों जीतेंगे। अब अयोध्या में 13 छोटी दीपावली के अवसर पर जो भी आयोजन हुआ, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हमने ये अवसर उपलब्ध कराया, एक समय था कि वहाँ पर काफ़ी अलग स्थिति हुई थी, लेकिन अब भव्य दीपोत्सव आयोजन हुआ। देखिए, बीजेपी के लोगों पर अब अयोध्या वासियों को भी विश्वास नहीं रहा, वहाँ के गरीबों के घर उजाड़े गए, उनकी ज़मीनें कब्जा की गई हैं, बड़े बड़े लोगों को ज़मीनें दी गई वहाँ कब्जा करके, उनको जायज़ मुआवजा नहीं मिला, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए। आज अयोध्या के लोग ही अगर बीजेपी से संतुष्ट होते तो वो जीते होते, लेकिन आदरणीय अवधेश प्रसाद जी की जीत ने ये साबित कर दिया कि बीजेपी के कार्यकलापों से, उनकी नीयत से, उनकी नीति से अयोध्यावासी खुद ही असंतुष्ट हैं, इसीलिए आदरणीय अवधेश जी को इतना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया है। अंतिम सवाल, 2027 में रूठे हुए जो लोग हैं, जो कुछ दल चले गए, उनको भी लाने की कवायद होगी धर्मेंद्र जी? अब देखिए, चुनाव है, जो भी चीज़ें होती हैं होती रहेंगी, वो अलग पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ी जो फैसला आता है वो जनता का आता है, और जनता का विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी में है। 9 की 9 सीटों पर क्या कहें दी, और अच्छा होता कि मिल्कीपुर भी हो रहा होता, बीजेपी के लोग मिल्कीपुर के चुनाव से भाग गए, उन्हीं के उम्मीदवार की पिटीशन विड्रॉ नहीं की,
जबकि विड्रॉ कर लेना चाहिए था आरडी अवधेश जी के चुनाव के जीतने के बाद, चूँकि स्वाभाविक है वो इस्तीफा भी दे चुके थे। अगर बीजेपी की नीयत होती या बीजेपी को विश्वास होता कि मिल्कीपुर जीत पाएंगे, तो जो काम चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद हुआ ये काम तो पहले भी हो सकता था। बहुत शुक्रिया बातचीत की। तो तमाम मुद्दों पर आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बेबाकी से बातचीत की। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.